विधानसभा का 307 नंबर और 308 नंबर बूथ है, ये एक पिंक बूथ भी बनाया गया है जिसमें कि विशेषकर महिलाओं के लिए सुविधा यहां पर दिया गया है। महिला मतदान कर्मी भी यहां पर तैनात किए गए हैं, मेडिकल की भी सुविधा है और तमाम तरह की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो तमाम वो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है जिससे कि एक निष्पक्ष और भयमुक्त जो मतदान की प्रक्रिया है उसे पूरा कराया जाए। सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। देखिए महिलाओं की कतार जो है यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। कई बूथों पर हम पहुंचे जहां से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा सके, तो जो उत्साह की बात की जा रही थी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह दिखता है, तो वो तस्वीरें सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जो मतदाता है वो सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध तरीके से इंतजार कर रही है। ये देखिए रामगढ़ की हम महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आसमा खातून। कितने देर से खड़ी है वोट के लिए? आधा घंटा हो गया। घर का काम हो गया या फिर पहले मतदान करना है फिर काम करना? बाकी है, खाना भी नहीं बनाया है। अच्छा, घर का काम छोड़ कर आई है। क्या सोचकर वोट करने आए? किस तरह के उम्मीदवार को चुनना है? जो काम कर सके सबका। तो बिल्कुल देखिए लोगों में उत्साह है। कौन सा और काम चाहिए रामगढ़ में, क्या होना चाहिए? पहले ये मतदान के लिए पहुंची है। जल क्या काम चाहती हैं जो आपके क्षेत्र में अब तक नहीं हुआ है, जो अब हो जाए, जिसको आप चुनना चाहती हैं? हेमंत सोरेन का ही सरकार को चुनना चाहते हैं, क्योंकि वो जब से आए हैं तब से उनको टाइम भी नहीं मिला। 2 साल तक कोरोना का टाइम रहा, अब इतना टाइम भी कम था, तो अब टाइम मिलेगा तो शायद वो कुछ करेंगे। तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, उनको मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए अपनी अपनी बातें हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचकर वोट करने के लिए आई हैं, किस तरह से उम्मीदवार को चुनना? बस हम लोग चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार हम लोग चुने, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे बैठे रामगढ़ विधानसभा में, हजारीबाग विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में, झारखंड में, जो भी हमारे यहाँ आए प्रत्याशी बन के, जिनको भी हम मुख्यमंत्री चुने, बस इतना चाहते हैं कि वो हर एक क्षेत्र में अच्छा काम करे, जो कि उनकी जनता के लिए जो सोच लेकर कुछ जनता आई है उनको वोट करने के लिए, उनकी सारी सुविधाएं वो पूरी करें। हम लोग भी कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश करें। खास करके शिक्षा व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हो। बात बाकी शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा हो तो पब्लिक खुद ही अपना सारा सब कुछ कर लेगा। बस शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो कि झारखंड में, जो कि अभी पिछले 10 सालों तक हम लोग झेल रहे हैं। मैं खुद बीएड स्टूडेंट हूँ, मैं बीएड कंप्लीट करके बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए जा रहे हैं, बट अभी तक कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार में नजर आ नहीं रहा है। तो बस अपील है, जो भी हम लोग जो सोच करके चुनने आए हैं उनसे बस ध्यान दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन को अच्छे से देखा जाए और सारे सेक्टर पे काम किया जाए। रोजगार एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। अगर रोजगार आदमी का अगर खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी लोगों की, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा जरिया होता है, आगे बढ़ने की जरिया तो रोजगार ही होता है और कुछ नहीं। बड़ा समस्या वही समस्या है रोजगार, चाहे वो किसी भी सेक्टर पे हो। एक मजदूर भी काम कर रहा है आज के डेट में तो वो भी चाहता है कि हमें कुछ अच्छा रोजगार मिले। बुनियादी सुविधाएं, बिजली पानी सड़क सब कुछ है आपके तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क का भी सुविधा है और पानी की भी सुविधा है। कुछ दिन में वो भी समस्या थोड़ी बहुत थी, तो अभी तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत समस्या सॉल्व हो चुकी है और आगे भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन का। बस सरकार से अपील है कि एजुकेशन मामले को सही व्यवस्था कर दे। सबसे बड़ी समस्या अगर सामने आ रही है रोजगार का, चलिए अगर जनता जागरूक है, वोटर्स जागरूक है अपने रोजगार को लेकर, तो ये बड़ी बात है। और क्या ये इस मुद्दे को लेकर युवाओं की भीड़ दिख रही है बूथों पर? क्या वो चाहते हैं कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके जनप्रतिनिधि सॉल्व करें? बिल्कुल देखिए युवाओं में भी उत्साह दिख रहा है और मतदान केंद्र पर हम अलग अलग जगह जब पहुंच रहे हैं तो युवा से भी हम अधिकतर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से युवा यहां पर पहुंच रहे हैं वो क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र माथो सर। क्या सोचकर वोट करने आए हैं, किस तरह का उम्मीदवार चुनना है? उम्मीदवार सुरेंद्र सर जिंदाबाद है। चलिए कैंडिडेट का नाम अभी नहीं बताना है। क्या सोचकर वोट करने के लिए? विकास के लिए सोचते हैं, शिक्षा जो कमी है झारखंड में उसको भरपाई करे, यही सब सोच विचार करके हम लोग कर रहे हैं वोट। इतना ही। रोजगार की समस्या है? देखिए कहीं ना कहीं है, हर जगह तो नहीं है, लेकिन बात रह गया जहाँ कमी है वहाँ भरपाई करने के लिए हम लोग भी अपील करेंगे कि करें। यहाँ बिजली पानी सड़क सब कुछ है? ठीक है, सब ठीक है। आपका क्या नाम है?
अजय कुमार महतो। आपकी नजर में क्या है, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए? जो आपका क्या बोलते हैं, जो अपना मतदान है वो दे देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यही सोचकर वोट करने के लिए आए हैं। क्या नाम है दीदी? लक्ष्मी कुमारी। क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं। हाँ। किस क्लास में? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। पढ़ाई हो गई है कंप्लीट या फिर अभी? फर्स्ट सेमेस्टर वन में। अच्छा, इधर क्या सोचकर वोट करने? आप युवा हैं, आपके मन में कुछ होगा ना सोच करके वोट करने के लिए, प्लानिंग करके जा रहे हैं, किस तरह के उम्मीदवार को चुनना? बिल्कुल, देखिए यही उत्साह जो है, हम युवा वोटर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सौरभ कुमार सोनी है। सौरभ जी क्या करते हैं? हाँ, इसमें स्टूडेंट है, अभी ग्रेजुएशन किया है जी। क्या सोचकर वोट करने के लिए? यही रहते हैं रामगढ़ में या फिर बाहर पढ़ाई करते? मैं रांची में रहता हूँ, मैं अभी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आया। अच्छी बात है, आप पढ़ाई रांची से चल कर, क्या सोचकर वोट करने के लिए, क्या बदलाव की जरूरत है, किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहिए? देखिए, इसलिए मैं यहाँ पर जो रामगढ़ जो स्थिति है उसको देखते हुए मुझे तो इसलिए बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देखते हुए मैंने वोट दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत से ये प्रोसेस भी है आपका, जो पहले जो सरकार जो थी मैं उसके बारे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं अपना वोट एक अच्छा उम्मीदवार को ही दूंगा। एक अच्छे उम्मीदवार को अपना वोट देंगे, ये महत्वपूर्ण है कि सभी को अपना अधिकार है कि वो किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहता है, किस तरह की सरकार वो बनाने चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी को बिजली की जरूरत है, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को एजुकेशन सिस्टम सुधारने की जरूरत है, किसी को स्वास्थ्य सुविधा के लिए वो अपने सस्ता करना चाहिए। 50% आटा है, 50% चावल है, पढ़ा लिखा लड़का झारखंड के साथ विदेश चल जा रहा, तो गिलास धोवे ले, गिलास धो दे के खा, झारखंड में कुछ नहीं चाहिए, एक लख मांगा चाहिए, एक खतर वोट दे, ये मांगा चलती कि सस्ता चलती। घर ले गिरिजा देवी के से घर कटा देती, 6 महीना ले खाता बंद करा देती और पैसा वापस कर लेती, ऐसा ये चाहिए बरियातों में नियम। देखिए, ये आक्रोश भी है कि महंगाई इतना बढ़ता जा रहा है कि इनके नजर में है कि रोजगार के लिए लोगों को बाहर यहाँ से पलायन करना पड़ता है, तो ये तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो कम दामों पर मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के साधन यहाँ अगर उपलब्ध हो जाए तो फिर लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे। देखिए, यहाँ दो बूथ है, 307 और 308, इस पे लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह से लगी हुई है, लोग मतदान करके जा भी रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों से या फिर अपने कामकाज से लौटकर यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच भी रहे। तो यही उत्साह सुबह से झारखंड के तो ये उत्साह मदन अलग अलग बूथों पर।